होम बेस्ड क्लाउड किचन में आप ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, आप मैक्सिमम बोल सकते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, वो भी तब जब आप बाकी की चीज़ों को पूरी कर रहे हैं। बाकी की चीज़ें कैसे, एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर रहे हैं, आपका खाना अच्छा है, कस्टमर की आपके पास रिटेंशन हो रही है, ठीक है, और बाकी की जो पैकेजिंग वैकेजिंग का आप लोग ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर बचता क्या है, आपका रेंट यहाँ पर बच रहा है, बाकी कुछ भी आपका नहीं बच रहा है, आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व भी उसमें रहना पड़ता है। अब मेरा डिसीजन क्या है कि अगर मैं सिर्फ ये सोच के कर रहा था कि भाई मैं घर से खोल लेता हूँ और घर से खोल के मैं बिज़नेस को बड़ा कर लूँगा और बाद में देखूँगा कि मैं ऐसा वैसा और आगे बिज़नेस एक्सटेंड कर लूँगा, तो वो एक समय के बाद बंद हो जाता है। क्योंकि जितने भी प्रोफाइल्स अगर आप स्विगी जोमैटो पर देखोगे वो वहाँ से डिलीट नहीं करते, वो तब भी वहाँ पर विजिबल रहेंगी। हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट का थोड़ा ब्लैक से फेड कलर में नज़र आए कि वो क्लोज है, पर उसकी प्रोफाइल वहाँ पर तब भी रहेगी। तो आपको ये भी समझना है, और इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोफाइल है वहाँ पे एक्टिव नहीं है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते, और ऐसी आपको ढेरों प्रोफाइल वहाँ पे मिल जाएंगी। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे बजट के साथ, अच्छे बजट के साथ मतलब कि एक सही पैसे के साथ ओपन में कीजिए। ओपन में करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोलें, आप छोटा सा एक QSR जैसा मॉडल, QSR प्लस क्लाउड किचन का मॉडल को अपनाइए, जहाँ पे आप स्विगी जोमैटो के साथ तो काम कर ही रहे हैं, बाकी आप काम कर रहे हैं अपने अपने उन कस्टमर के लिए जो कि आपके पास आके वहाँ पे खाना खा सकते हैं या आपके वहाँ से खाना लेके जा सकते हैं। वही इस समय पे सबसे बेस्ट मॉडल है हमारे लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहते हो, क्योंकि स्विगी जोमैटो के साथ काम करके आपको किसी प्रकार का डेटा नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आप स्विगी जोमैटो से तो ऑर्डर लेंगे ही लेंगे, साथ साथ आप अपना खुद का एक डाटाबेस, खुद का अपना अपने लिए कस्टमर का डाटाबेस रेडी कर रहे होंगे, ताकि बाद में भी आप उनको इंटरटेन करके और भी ऑर्डर ले पाएं। तो डिसीजन मेरा तो यही है कि आप अपना एक ओपन में आके स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप सिर्फ छोटा सा एक, आप 5-10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो आप घर से अपना क्लाउड किचन कर सकते हैं। हमारे भी प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम्स होते हैं, क्लाउड किचन के कोर्सेज होते हैं, जिनको कि आप ले सकते हैं। अगर स्पेशली अगर कोई घर से ही करना चाहता है तो हमारे एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको कि हम लोग क्लाउड किचन लॉटरी कोर्स बोलते हैं, वीडियो बेस्ड कोर्स होता है, आप ये लोग एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और इस कोर्स को लेने के बाद अगर आप घर से चालू कर रहे हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। इजिली कैसे टाई अप्स होते हैं, इक्विपमेंट, क्लीनिंग वगैरह के बारे में आपको सारा का सारा पता चल जाएगा और आप इजिली स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी जो मेंटरशिप के प्रोग्राम है, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो काफ़ी सारी ही होने वाली है, 8-10 लाख से ऊपर ही होगी, और क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ एडवाइजेबल यही है कि किसी एक अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लीजिएगा, मेरी या किसी की भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको सही गाइड कर पाए। सिर्फ अपने आप पैसा लगाएंगे तो, मैंने तो एक्सपीरियंस करके, मैं तो रोज़ाना ही ये चीज़ें देख रहा हूँ, आप पैसा अपना डुबा बैठेंगे। कुछ क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा, बाकी मैं नीचे